दोस्तों, वेलकम टू निपुण लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है आपको कॉलेज में, और एडमिशन कब तक का चलेगा, क्या है प्रोसेस, और कब आपको रिपोर्टिंग करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आप अगर जो कॉलेज अलॉट हो गया है और आप फ्री कर दिए हो, मतलब आप पर जैसे आपको रायपुर कॉलेज मिल गया है और आप फ्रेश कर दिए, तो आपको कॉलेज आप कभी भी जा सकते हैं, आप आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, 15 तारीख से पहले मैं बोलूँ तो आ जाओ, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग का रिजल्ट 9 को आ जाएगा। उसके बाद तो 2-3 दिन डीवीसी हो रहा, जिसका सीट अलॉट नहीं हुआ था उनको फिर से डीवीसी करवाने की ज़रूरत है। जो डीवीसी करवा के आ रहे हैं उनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप स्टेट पे डेट भी रहे, तो सबसे पहले आपका जो अलॉटमेंट लेटर निकला था, जो प्रोफेशनल लेटर बोलते हैं, वो लगेगा आपको। उसके बाद 10th 12th का जो मार्कशीट है वो, उसके बाद आपका PET, अगर आप BTET वाले हो तो PET, और आप BSc वाले हो तो PAT, CGPAT और PAT का जो आपका स्कोर कार्ड है वो लगेगा। उसके बाद आपका डोमेसिल लगेगा, परमानेंट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और जैसे आप फ्रीडम फाइटर से हो तो फ्रीडम फाइटर लगेगा, अगर आप कृषक से हो तो कृषक लगेगा। जैसे कई लोग होते हैं PWD के, जो रैंक से होता है उनका, तो PWD लगेगा, और नस्टल अफेक्टेड है तो नस्टल अफेक्टेड रहेगा। ये सब जो जो सर्टिफिकेट है, जैसे नस्टल अफेक्टेड है, ये जिसके जो जिसको सीट मिला, जैसे कई लोग को नेशनल अफेक्टेड मिलता है, जिसको फ्रीडम फाइटर के बेस में मिलता है सीट, तो उन लोग को ही जरूरी है, सबको जरूरी नहीं है। अब सबको जरूरी कंपलसरी है TC, माइग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट, ये दोनों है, TC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो ये सब जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड लगता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा, मतलब पहले तो लग नहीं रहा था लेकिन अभी लग सकता है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा ले रहे हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट के या डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ से जाके अपना बनवा लीजिए सर्टिफिकेट। और अभी 1-2 सर्टिफिकेट और लग रहे हैं, और अभ्यर्थी शपथ पत्र, ये कई जगह लग रहे हैं, कई जगह रायपुर के BSc कॉलेज में लग रहे हैं, बिलासपुर के BSc कॉलेज में लग रहे हैं, और BTET में भी लग सकता है। तो ये इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन आप बनवा ले रहे हैं, ये आप नोटरी करवा के बनवा लो तो अच्छा रहेगा, इसमें एंटी रैगिंग और ये सब का रहता है, तो आप बनवा के आप कॉलेज में जाके सबमिट कर सकते हैं। तो यही डॉक्यूमेंट सब लगेंगे, और कब जाना है मैं बता दिया हूँ। अगर आप फ्रीज कर लिए हो, जैसे कोई भी कॉलेज मिला है और आपको फ्रीज हो गया, जैसे आपको बिलासपुर कॉलेज मिला है और आप फ्रीज कर लिए हो, तो आप 15 से पहले कभी भी जा सकते हो। और डॉक्यूमेंट वैसे कोई डेट आया नहीं है, लेकिन आपको 15 से पहले जाके सबमिट कर दो, क्योंकि 15 के बाद क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग हॉस्टल के बारे में पूछ रहे थे, हॉस्टल का जैसे ही लिस्ट आता है मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा, रायपुर के हॉस्टल का लिस्ट अभी आने में टाइम है, और जैसे ही आता है मैं लिस्ट को वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो वीडियो कर देना लाइक, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब सिर्फ 150 भी लगभग बचे हैं 1K होने के लिए, तो जल्दी से 1K कर लो। तो आज के वीडियो तो करते हैं खत्म, वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जय हिंद दोस्तों।